तो जाम में खड़े होने का एक फायदा होगा, खूबसूरत पल वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको नहीं मिलता, यहाँ मर्जी आप चले जाओ, लेकिन अपना अगर जैसा भी हो तो उसके जैसा कंफर्ट कहीं नहीं मिलता। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो एक दो दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, थोड़ा सा बीमार चल रहा है। आपने प्रीवियस व्लॉग में देख लिया, मेरी थोड़ी सी ना तबीयत खराब थी, अपना फीवर वगैरह हो रखा था, कोल्ड हो रखा था, वो सारा एक साथ हो गया। और अभी थोड़ा फिट हूँ और अभी शावर लेके फ्री हूँ, और मैंने सोचा अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग करें। और एक दो दिन से हम ब्लॉग भी नहीं डाल पाए। और बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया? और हम भी बढ़िया। वो कल मैंने अपनी कटिंग भी करवा ली, काफ़ी दिनों से सोच रहा था आज करवाऊँगा, तो फाइनली मैंने कटिंग करवा ली और अपना हेयर कलर भी करवा लिया था, तो इसलिए आज हम थोड़े से चमक रहे हैं। और फिलहाल मम्मी की वेट कर रहे हैं, मम्मी अभी रेडी हो रहे हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, रेडी चले फिर? खाना चलिए अभी खाना खा लेते हैं, फिर मैं और मम्मी अभी निकल रहे हैं कहीं पे। कहाँ निकल रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। नवरात्रे चल रहे हैं मम्मी, आज कौन सा नवरात्र है? सतमा। अस्सी कंजी का कदम बैठानी है, कल या परसों? आठ नवरात्र। अच्छा, अष्टमी में भी बैठा लेते हैं ना, नवमी में तो कंजक पूजन भी होगा हमारे घर में। तो फिलहाल मैं और मम्मी अभी बता देते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हिमाचल अपने मामा जी के घर, क्योंकि वहाँ पे मामा जी ने भागवतर खुवाई हुई थी, तो आज मे भी लास्ट डे है वहाँ पे, है ना? लास्ट दिन है, तो हम गए नहीं थे। मम्मी भी कह रहे कि हम नहीं गए काफ़ी दिनों से, क्योंकि घर पे ही रामायण रखी हुई थी तो इसलिए बाहर नहीं जा सकते थे। तो आज मम्मी को लेकर जा रहा हूँ, आज कितने दिन हो गए। और फिलहाल खाना जो है मम्मी ने डाल दिया, तो खाने में है आज परौंठी और साथ में ग्रीन चटनी। ये सबसे खूबसूरत पल है। कपड़े ओहो, कपड़े तो भूल ही गए। एक दिन में ये कर दो ना अमरूद ना, एक किलो कर दो। कितना किलो है? एक किलो कर दो ये। जो भी आ गया है ना, गर्मियाँ स्टार्ट होती है, खरबूजा भी। अभी मैंने मम्मी के साथ बात की, मैंने एक दिन कपड़े प्रेस के लिए दिए थे, वो लेके आना ही भूल गया। अंकल ने बोला था मेरे को कि एतवार को ले जाना, पिछले एतवार की बात है। अभी देखो आज फ्राइडे है, तो दोबारा से एतवार है, मैं एक हफ्ते से कपड़े नहीं लेके आ पाया। अब थोड़ा सा फ्रूट्स ले रहे हैं, कुछ अपने लिए, कुछ सुबह प्रसाद के लिए, कंजके वगैरह उठानी है हमने। सब अच्छे हैं मम्मी, ओके। कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं, और मम्मी बोल रहे कि ये वाला जो रास्ता है ना, हम पैदल जाते होते जब हम छोटे होते, फिर क्या होता था? दवाई लेने जाते थे ना। अच्छा, डॉक्टर के पास। हाँ, डॉक्टर के पास। कंचन भी छोटी थी। क्या डॉक्टर थे? त्रिलोचन डॉक्टर होता था इतने। फिर एक मैं, फिर मैं दो में ते चखनी होने, फिर एक मैं पैदल तोड़ना। अच्छा, एक बार मेरे को याद भी है कि मैं पता नहीं गुब्बारा मांग रहा था, यही वाला था हॉस्पिटल में जा रहे, लालच देना, थोड़ी दूर रह गया। उस वक्त होता नहीं था ना जाने के लिए साधन, बोट टपना। अच्छा, जब फिर बोट भी बंद हो गया पानी वाला। हाँ, कोई मतलब डूब डब गया था, फिर बोट बंद हो गया कब। इस वाले रोड पे ना, मतलब ये है कि सारे लोग ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, शाम के टाइम रुक लगे कोई गेम वगैरह है, या बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस गेम के लिए। ट्रेन लेनी सवेरे 8:30 बजे। अच्छा, उधर से आना हमने घूम के, ट्रेन लेके यहाँ पे आना। हाँ, डॉक्टर के पास शाम को इधर से घूम के जाना, बोट पे ट्रेन जानी वापस, फिर उससे जाना बैठे रहना। तो पैसे होता था, व्हीकल वगैरह कम होते थे। पापा कहाँ थे? पापा नहीं थे, पापा गए जलंधर रहना। जलंधर के चंबा? चंबा तो बाद गए थे। चंबा तो मैं भी गया, छोटा था दूजा। अच्छा अच्छा, और कहते थे चंबा में मैं जाके ना मिर्चे बहुत खाता था। हाँ, और बैंगन भी कहते, मास्टर जी बताते हैं, मास्टर जी भी वहाँ पे थे ना, तो कह रहे बैंगन भी खाता होता था मैं, कच्ची सब्जी खा जानी। अच्छा, बचपन ऐसे ही होता है, सब्जी नहीं बस रे मिर्चा खा जानी है। अच्छा, फाइनली ले लिए कपड़े। अंकल कह रहे भूल ही गए थे आप तो, और हम भी भूल गए थे कि किसके हैं। ट्रैफिक ही ट्रैफिक हमारे इस एरिया में ना, ट्रैफिक नहीं लगता था, लेकिन अभी क्या है कि मेट्रो सिटीज की तरह यहाँ पे भी ट्रैफिक इतना स्टार्ट हो गया, तो अभी वेट करना पड़ता है 15-15, 20-20 मिनट। तो जाम में खड़े होने का एक फायदा हो गया, इतनी देर में कंचन भी आ गई। और जा रहे हो घर को? अच्छा अच्छा, कंचन करी आप यहाँ पे? मैंने कहा हाँ हम यहाँ पे। बढ़िया, मैंने पीछे से नंबर देखा, मैंने कहा अच्छा अच्छा, हूँ ऑफ
छह बज गए छह बज के छह मिनट उन्हें देखे शीशे के अंदर फंक्शन भी आ गया मैं वहां से देख रहा था मैं एकदम देखी मैं क्या मेनू कित मैं पहला तो सोचा मैं क्या की पता निकल क्यों ने वो कहता आधा घंटा हो गया उन्होंने ज्ञान अच्छा तो आप भी फ्रूट लेके आए हम भी फ्रूट लेके आए ना वो मेरे को तभी कहते कहता आपके मम्मी ले गए मैं कि नहीं मैं इन लॉज में जा रही हूँ वहाँ लेके जाने कल हमने भी कंज नहीं अच्छा सोचा होना ना कि ये होने तो फ्रूट लेके हां कि होने निकले ही है मैं कि नहीं कि वो कभी कहता कि ले ले गए आज कि नहीं मैं भी लेने कहते नहीं तेरी मम्मी ले गई तू गया ना मैं सो रहे मैं चली गई मैं उधर चली मैं उधर लग गया कहता अच्छा फिर ठीक है मैंने तभी हमने कहता कि ले खरीदे अब उसने सोचा होगा ना कि डबल डबल फ्रूट्स ना लेके चले गए क्या फिर ऐसे कपड़े ले आने वापस चले गए ना अच्छा हां कपड़े नहीं लेके ऐसे हां हूं लेके ओ कहता भूल गए से तुसी मैं क्या और भी नहीं बड़ा जान मैं क्या कितना का टाइम है कहता हो गया उन्होंने आधा घंटा गया आई नो से उठ जाके आए ना फिर वापस ना फटो खुल गए और कंचन बांध दिए मैं छोड़ के यहां पे क्योंकि बाइक्स वगैरह वो जल्दी निकल जाती है गाड़ी वाले तो फंस जाते हैं वेट करना पड़ेगा 15-20 मिनट फिर धीरे धीरे चलेगी क्योंकि हमारे ना यहाँ पे ब्रिज बन रहा है जिसकी वजह से इस वाले रोड पे ना प्रॉब्लम आ रही है जल्दी ब्रिज बन जाएगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ट्रेन की बात आ रही है हिमाचल गए होते फिलहाल अभी हम घर पहुँच चुके हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल कर और अभी अच्छा फील कर रहे हैं कहते हैं कि जो सुख अपने घर में होता है ना वो कहीं आपको नहीं मिलता जहाँ मर्जी आप चले जाओ लेकिन अपना घर जैसा भी हो तो उसके जैसा कम्फर्ट कहीं नहीं मिलता आपको तो फिलहाल मम्मी भी पहुंच चुके हैं मेरे से पीछे पीछे थे फिर कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और मेरी तबीयत थोड़ी अभी भी ऐसी है फीवर सा लग रहा है मेरे को थोड़ा सा ढीला ढीला सा महसूस कर रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि पहले मैं अपना वेट चेक करूँ बहुत दिन हो गए वेट चेक नहीं किया और फिलहाल जो मेरा वेट है तो वो है 61.7 मतलब कि आप 60 किलो ले मतलब कि आप 60 किलो कह सकते हो और जीन्स और कपड़े वगैरह भी डाले हुए हैं तो 1.5 किलो के तो ये होंगे और मेरे ब्लॉग में थोड़ी सी एनर्जी नहीं मिल रही होगी मेरी वे ऑफ टॉकिंग से वो क्या है कि अपना थोड़ा फीवर है आज मेरे को जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से कौन सी है मेरे को भी देना है मौसम चेंज हो रहा है और आजकल क्या होगा कि अभी बैसाखी आ रही है तो कनक वगैरह निकलनी स्टार्ट हो जाएगी तो उससे जो धूल मिट्टी उड़ती है ना इन्वायरमेंट को मतलब कि इन्वायरमेंट में वो इफेक्ट करती है मेरे को तो उसकी वजह से भी हो जाता है तो आगे आगे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी शुरू होगी हाँ चाय पी लेंगे क्योंकि अपने घर जैसी चाय और अपने घर जैसा सुख कहीं नहीं मिलता चाहे मर्जी आप चाय पी लो बढ़िया से बढ़िया लेकिन जो चाय आप घर में आकर पीते हो ना कह रहे कि अब आया मज़ा और अपने घर में बैठ के लेट के जो मज़ा आता है ना कहीं नहीं आता कुछ टाइम के लिए होता है लेकिन असली मज़ा अपने घर में ही आता है और अपनी चाय पीने का भी अपनी घर की हमारी चाय गर्मा गर्म और मम्मी ये हार कहाँ से आ गया मोनू ने दिया था ये क्यों मुंडा लो ना अच्छा अच्छा वापस की था ना मैंने जो लड़कियों का होता है ये शादी वाला हार आया कंचन का आया कंचन ने पैसे देते ना उन्होंने तो मामा जी के बेटे का हिमाचल में शादी हुई थी ना अमन की तो जब हार डाला था उसको तो उन्होंने वापस कर दिया लड़कियों को तो लड़कियों को रखते नहीं ना वो है ना ऐसे है कुछ तो कंचन का भी और हमारी फैमिली में ना दो लड़के हैं एक कंचन है एक ताया जी की बेटी है घर के बनाए हुए मसाले और अपने हिसाब से पत्ती और चीनी और मम्मी कह रहे हैं कि सारी टाइनेस खत्म हो जाती है ताजा हो जाती है अभी जस्ट चाय चाय पीने के बाद मैंने अपना वीडियो एडिट किया वीडियो जो मेरा ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है और बहुत दिनों बाद कह रहा हूँ तो 2-3 दिन तो हो ही गए ना ब्लॉग डाले हुए तो आज डालो क्यों नहीं डाल रहा था वो आपको मैंने बता दिया थोड़ी सी प्रॉब्लम चली हुई थी मेरी बॉडी के साथ और बस बीमार था इसलिए नहीं डाल पाया तो आज थोड़ा सा अच्छा फील किया और नेक्स्ट जो वीडियोज़ है अपने ब्लॉग्स में रेगुलर देने की कोशिश करूँगा तो आज इसी छोटे से ब्लॉग के साथ इन्जॉय कीजिए और अच्छे अच्छे आप कमेंट्स कीजिए
और बाकी सब बढ़िया है। और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को अंकुश अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से बाय बाय।